स्लम डॉग मिलीनियर से शुरुआत करने वाले द फैमिली मैन 2 से पॉपुलर होने वाले कलाकार तो दोस्तों, मैं हूं धीरज और आज हम बात कर रहे हैं शारिब हाशमी के बारे में। शारिब हाशमी का जन्म 25 जनवरी 1976 को मलाड मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता जे ए जौहर एक प्रसिद्ध फिल्म पत्रकार रह चुके हैं। शारिब ने सेंट जॉन्स मॉडल इंग्लिश हाई स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और भवन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वो बचपन से ही चोल में रहा करते थे। उन्हें फिल्मों का बहुत शौक था। वो फिल्में अक्सर लोगों की खिड़कियों से झांक कर देखा करते थे। सामने मत रो, पी पी के कम हो जाएगा। शारिब आमिर खान के बहुत बड़े फैन थे। उनकी कई मूवी की शूटिंग भी वो देख चुके थे और उन्होंने बताया था कि जिन फिल्मों की शूटिंग उन्होंने देखी थी वो फिल्में सभी फ्लॉप हुई थी। उनका सपना है कि वो आमिर खान के साथ फिल्म करें और वो हिट भी हो। एक फिल्म में उनको मौका भी दिया गया था। दरअसल फिल्म धोबी घाट के लिए उनको सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन शूटिंग से लगभग 15 दिन पहले ही उनके पास कॉल आया कि वो करेक्टर में फिट नहीं है। तो जाहिर है जो सपना पूरा हो रहा था वो टूट चुका था। शारिब को बहुत दुख हुआ और वो रोने भी लगे थे। इसके अलावा भी शारिब को बड़े प्रोजेक्ट में सिलेक्ट कर लिया जाता था, लेकिन कोई बंद हो जाता था तो कहीं से इनको निकाल दिया जाता था। शारिब ने बताया कि एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने एक्टिंग के लिए जॉब छोड़ दी थी। उस दौरान उन्होंने अपनी वाइफ के जेवर बेच दिए थे और घर भी बिक गया था। तब भी उनके परिवार ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। इनके शुरुआती दौर की बात करें तो इन्होंने स्लम डॉग मिलीनियर से अपनी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। इसके बाद उन्हें जब तक है जान में देखा गया, उसके बाद फिल्मिस्तान, बदमाशियां, वोदका डायरीज, फुल्लू और बत्ती गुल मीटर चालू कई फिल्मों में देखा गया था, लेकिन किसी भी फिल्म से उन्हें बड़ी पहचान नहीं मिल पाई। और काफी समय बाद अमेजोन प्राइम की वेब सीरीज द फैमिली मैन में काम मिला। इस सीरीज में वो मनोज बाजपेयी के साथ दिखे। इन्होंने इस सीरीज में जेके पड़े का रोल निभाया, जो कि लोगों को बहुत पसंद भी आया और ये सीरीज काफी पॉपुलर भी हुई। हाल ही में द फैमिली मैन का दूसरा सीजन रिलीज किया गया, जिसको पहले सीजन की तरह काफी अच्छा रिस्पांस मिला। इस सीरीज में साउथ एक्ट्रेस समांथा को भी लिया गया। उनके बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जा सकते हैं। शारिब बहुत समय से इस पहचान के लिए तरस रहे थे और शुक्रगुजार करते हैं सीरीज के राइटर राज और डीके का, जिनकी वजह से उनको सही पहचान मिली। द फैमिली मैन के अलावा उनको वसूल, अ वायरल वेडिंग और स्कैम 1992 में देखा जा चुका है और सभी में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई। शारिब कहते हैं कि वो सुशांत के साथ काम करना चाहते थे। फिल्म फिल्मिस्तान के दौरान भी उसकी रिलीज पर वो आए थे और फिल्म खत्म होने के बाद उन्होंने शारिब को गले भी लगाया था और उस वक्त सुशांत काफी पॉपुलर एक्टर थे। उनका कहना है कि इतनी सक्सेस मिलने के बाद भी सुशांत बहुत हम्बल थे। वो एक टैलेंटेड एक्टर होने के साथ साथ दिल के बहुत अच्छे इंसान भी थे। शारिब ने बताया कि तकदूम नाम की एक फिल्म पर काम चल रहा था। इस फिल्म में सुशांत के साथ परिणीति चोपड़ा थी और शारिब का भी इसमें एक अहम रोल था, लेकिन किन्हीं वजह से वो फिल्म नहीं बन पाई थी और शारिब का सुशांत के साथ काम करने का सपना अधूरा रह गया। दोस्तों, शारिब हाशमी की अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो कंगना की फिल्म धाकड़ सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म मिशन मजनू में देखा जाएगा। ये दोनों फिल्म इसी साल रिलीज होंगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।